दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर राज सिंह 111। गाइस, रोड टू क्रॉस पोर्टिंग गाइड या नॉर्मल पोर्टिंग गाइड में आप सभी लोग का स्वागत है। आपने मेरी पिछली दो वीडियोस में देखा होगा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि किसी भी आप अगर कोई फ़ोन लेते हो, उसका कस्टमाइजेशन अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ों से आप अपना एक फ़ोन के अंदर सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी एक कार्ड फ्लैश होगा, उस कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो का मज़ा उठा सकते हो। सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप कैसे अपने लैपटॉप, पीसी या जो भी आपका डेस्कटॉप है, उसमें आप करेक्ट ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना सीखोगे, और आई होप आप सीख भी गए होगे। अगर नहीं सीखा है तो अभी एक कार्ड फ्लैश होगा, उस कार्ड पे क्लिक करके वाली वीडियो का भी आप मज़ा उठा सकते हो और जान सकते हो कि आपको अपने लैपटॉप में कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करने चाहिए जो आपके फ़ोन को डिटेक्ट करे, या जो भी आप कोई भी यूनिवर्सल फ़ोन ले रहे हो, कोई भी फ़ोन ले रहे हो, उस सभी फ़ोन को डिटेक्ट करे, चाहे वो ADB हो, चाहे वो फास्ट बूट मोड हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा कि अब हम अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या शॉमी के फ्लैश टूल से, या मिनिमल ADB और फास्ट बूट की मदद से। लेकिन मैं आपको शॉमी की का फ़ोन है तो शॉमी के टूल से ही मैं आपको अनलॉक करना बताऊँगा नेक्स्ट, या फिर कभी एक वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ कि हम बिना बूट लोडर अनलॉक किए कैसे हम इसमें TWRP फ्लैश कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जानने के लिए कि हम ये सब ट्रिक्स लाने वाले हैं जल्दी इस चैनल पे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमें सपोर्ट जरूर करिए। गाइज, ये वीडियो 100% जेन्युइन है, कोई फेक वीडियो नहीं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने फ़ोन को अनलॉक करने से पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, आपको आ जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग में आते ही आपको आना है अबाउट फोन में, अबाउट फोन में आना है आपको MIUI वर्जन पे क्लिक करना है 3 से 4 बार। तो आप देख सकते हो कि मैं पहले से डेवलपर हूँ, इसलिए मेरा डेवलपर ऑप्शन ओपन है। अब अगर आपको ओपन नहीं, तो आप इस पर 3 से 4 बार क्लिक करिएगा, आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर आप आइए सीधा एडिशनल सेटिंग पे, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। आपको इसमें क्या क्या ऑन करना है, OEM अनलॉकिंग जो कि इनेबल होनी चाहिए, मी अनलॉक स्टेटस, इससे पहले आपको USB डिबगिंग ऑन होना चाहिए और इंस्टॉल वाया USB ऑन होना चाहिए। और मी अनलॉक स्टेटस पे आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपका जो मी अकाउंट लॉगिन होगा, उसी से ही आप अकाउंट को लॉगिन कराइएगा या ऐड कराइएगा इसमें अनलॉक स्टेटस प्रोग्राम में। और एक बात ध्यान रखिएगा, बैकअप जरूर ले लीजिएगा अपने डिवाइस का, जो भी आपके फ़ोन में बैकअप हो, या आपके पास दो फ़ोन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका प्राइमरी फ़ोन यही है, उसमें आप कस्टमाइजेशन कर रहे हो, तो उसका बैकअप जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आप क्या करेंगे, हम ऐड अकाउंट करा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, सक्सेसफुली ऐड हो गया हमारा, और कुछ एरर आ रही है, उस एरर को आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं होता तब मैं इस एरर का सलूशन दूंगा आपको। तो गाइस, हमारा ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन की तरफ चलने से पहले गाइस, जो भी आप अकाउंट ऐड कराओगे, उसमें सिर्फ आपका एक ही डिवाइस ऐड होना चाहिए, उसमें 3-4 डिवाइस ऐड मत हों। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, उसमें सिर्फ मेरा एक ही डिवाइस ऐड है। आपके इसमें अगर 3-4 डिवाइस ऐड हो तो उनको हटा दीजिएगा, सिर्फ एक डिवाइस ऐड होना चाहिए एक अकाउंट से। तो चलिए, अब हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है मैंने, अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और करते हैं आगे का स्टेप। तो गाइज, हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो गाइज, हम लोग अपने डेस्कटॉप की तरफ वापस आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने एक पहले से फोल्डर बना रखा है अनलॉकिंग बूट लोडर का, उसमें मैंने सारे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं। आपको सभी सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो गाइस, आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, सभी सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको। आपको मी फ्लैश अनलॉक टूल को ओपन कर लेना होगा, जो कि मैं पहले से एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, और इसको हम करेंगे अब ओपन। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हमारा डिवाइस कोई कनेक्ट नहीं है, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने से पहले हम कर लेते हैं साइन इन अपने अकाउंट में, जिस अकाउंट से हम लॉग इन कर रहे हैं। आपको पता ही है कि आपका अकाउंट कौन सा है, और क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
उसी अकाउंट से लॉगिन करेगी इसमें आपका डिवाइस आपने मी अनलॉक स्टेटस के लिए आपने वेरीफाई कराया है। और गाइस बैकअप ज़रूर बना के रखिएगा, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि बैकअप बना के रखिए, आपका बैकअप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंट वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो सेंड कर देते हैं। तो गाइस हमारे पास कोड आ चुका है, जीरो सिक्स फोर सेवन एट थ्री। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा साइन इन हो चुका है। अब हम करते हैं अपने फोन को पासबुक में ओपन, और उसको पहले करते हैं स्विच ऑफ। अब हम करेंगे वॉल्यूम डाउन की प्लस पावर की एक साथ प्रेस करेंगे, इससे हमारा फोन पासबुक में ओपन हो जाएगा। अब करते हैं हम अपना यूएसबी कनेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हो यूएसबी कनेक्ट करने जा रहा हूं मैं, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा डिवाइस डिटेक्ट हो चुका है और लॉक लिख के आ रहा है। अब हम अनलॉक पे क्लिक करेंगे। अनलॉक जैसे ही हो जाएगा हमारा डिवाइस फॉर्मेट होगा, अगर फॉर्मेट नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अनलॉकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा डिवाइस अनलॉक हो चुका है। अब हम लोग इसको कर देते हैं रिबूट। ये आप देख सकते हो अनलॉक लिख के आ रहा है नीचे, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। और 100% ये जेन्युइन वीडियो है गाइस, कोई फेक वीडियो नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हम सपोर्ट जरूर करिए गाइस, और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, आपको लेटेस्ट लेटेस्ट अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा अनलॉक हो चुका है बूटलोडर, चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या सच में अनलॉक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब हम आएंगे अपने एडिशनल सेटिंग पे, डेवलपर ऑप्शन में आएंगे, मी अनलॉक स्टेटस पे आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो डिवाइस इज अनलॉक्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सपोर्ट जरूर करिए, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। So, thank you for watching this video. Mr. Raj Singh 111, support us.